नमस्कार, लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, पुलिस ने गेहूं के खेत में छुपकर बचाई अपनी जान। यह मामला रोहतास जिले के अमजोर थाने की है। आइए सुनते हैं इस घटना की पूरी कहानी। अमजोर थाने की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर बरवाड़ी गांव में छापेमारी करने के दौरान बीते रात्रि ग्रामीणों द्वारा पुलिस टीम पर हमला बोल शराबी अभियुक्त को छुड़ा ले जाने के मामले में गांव के ही कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया गया है। निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी से आक्रोशित बरवाड़ी गांव के ग्रामीण महिलाओं ने बुधवार को अहले सुबह भारी संख्या में थाना पहुंचकर थाना के सामने निर्दोष लोगों को छोड़ने की मांग करते हुए हंगामा करने लगी। यहां हंगामे का दौर अमझोर तिलौथू एवं इंदरपुरी थाने की पुलिस के समक्ष तब तक चलता रहा जब तक पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार नहीं पहुंचे। श्री कुमार के पहुंचते ही कुछ मामला समझाने बुझाने के बाद शांत हुआ, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने वाले कुछ दल के नेता एवं पंचायत प्रतिनिधियों के बहकावे में आकर एक बार फिर से हंगामा शुरू महिलाओं ने कर दिया। कुछ देर बाद पहुंचे एसपी डेहरी संजय कुमार के अथक प्रयास से व समझाने बुझाने एवं निर्दोष लोगों को छोड़ने के आश्वासन पर मामला शांत हुआ और पुनः वापस आक्रोशित महिला चली गई। अब हम आपको बताते चले कि बीते रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर अमझोर थानाध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में टीम के साथ थाना क्षेत्र के बरवाड़ी गांव से शाम पहुंचे थे, जहां से नशे की हालत में केरला स्थित आईडीटीपी पुलिस के जवान बैजनाथ राम को पकड़कर अपने वाहन में बैठाकर ले ही जा रहे थे कि बरवाड़ी गांव के ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हालांकि इस घटना में थानाध्यक्ष अजय कुमार एवं पुलिस बल का एक जवान शिवजी सिंह एवं वाहन का चालक एमडी अंसारी सहित अन्य पुलिसकर्मी को चोट आई है, लेकिन पुलिस इसे इनकार कर रही है। पुलिस वाहन को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। हमलावर इतने निर्दयी थे कि पुलिस अपना जान गेहूं के खेत में छुपकर बचाई, नहीं तो सभी के सभी मारे जाते। मौके पर इंस्पेक्टर मनोज कुमार के पहुंचते ही स्थिति नियंत्रण में आई। एक बार फिर बरवाड़ी गांव के मध्यरात्रि को पुलिस चिन्हित लोगों के घरों में छापेमारी कर कुल छः लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाना ले आई, जिससे गुस्साए बरवाड़ी गांव के ग्रामीण महिलाओं ने भारी संख्या में अमझोर थाना पहुंच हंगामा करते हुए निर्दोष लोगों को छोड़ने हेतु थाने का घेराव करना शुरू कर दिया। मामला तब शांत हुआ। डेहरी के एसपी संजय कुमार ने थाने पर पहुंचकर आक्रोशित महिलाओं को समझा बुझाकर एवं निर्दोष लोगों को छोड़ने की बात कही। तिलौथू से लोकल न्यूज 24 के लिए राजू मार्कोनी के साथ सुधीर सिंह की पूरी रिपोर्ट। कितनी रात को इलाज कराने हैं, क्या मामला है? सर मैं अभी मार्केट से गया घर पे। पहले अपना परिचय। मैं बैद्यनाथ राम, पिता श्री भगवान राम, बरवाड़ी। मैं जस्ट मार्केट से गया घर पे। घर पे बाइक खड़ा किया रोड पे, अभी घर में गया ही नहीं। जैसे ही खड़ा किया बाइक तो अमजोर थाना टीम ने मुझे कॉलर से पकड़ा और पूछा कि तुम कौन हो, क्या हो। मैंने बोला सर मैं अभी जस्ट मार्केट से आ रहा हूँ, क्या बात है क्या बात नहीं है। तो इन्होंने गाली गलौज शुरू किया और थप्पड़ से मारने लगा। पूरे टीम ने मिलकर मारा। मैंने बोला सर आपका गलत फॉर्म हो रखा है। पुलिस टीम ने? जी पुलिस टीम ने। तो मैंने पूछा सर आखिर किस लिए आप लोग मार रहे हो, क्या कर रहे हो। तीन लोग गाली बोला, मादर चौथ सला तू दारू बचवाता है ऐसे वैसे। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है सर, से गलत फॉर्म हो रखा है। फिर मुझे पकड़ करके गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में लेके चला गया, तो चुरेसर जा करके मुझे छोड़ दिया। फिर मैं वापस आ गया घर सर, और फिर दर्द उर्द से मैं कुछ बोला नहीं, ऐसे छोड़ दिया आपको? हाँ कुछ नहीं बोला, उन्होंने छोड़ दिया। और सर यहाँ मैं ट्रीटमेंट कराने आया हूँ सर, काफ़ी जख्म उखम आ रखी है सर, ये सारे फूल रखा है मार फूट करके। आपके साथ था कोई घायल व्यक्ति? हाँ नहीं सर, मेरे साथ और कोई घायल? गाड़ी भी ना मार दिया था? अब पता नहीं सर, उसके बाद में पुलिस के भी चोट लगी है क्या इसमें? अब पता नहीं सर मुझे, आपको नहीं मालूम? हाँ उन लोग खुद गाड़ी पर से मुझे छोड़ा और फिर इसके बाद मैं चुपचाप वापस आ गया सर। तो सर मुझे पता नहीं कि वो कहाँ ले जा रहे थे, क्या नहीं ले जा रहे थे। सिविल ड्रेस सिविल में थे, बाद में मुझे पता चला कि पुलिस थाना की टीम थी। कैसा गाड़ी था सर? गाड़ी का तो मैं ध्यान नहीं दिया, पुलिस नहीं लिखा हुआ था? नहीं सर मैं उतना ध्यान नहीं दिया कि पुलिस लिखा था या नहीं। अब पुलिस का एक अपना होता है वर्दी, तो वर्दी में रहते तो पता चलता। जस्ट उन लोगों का जो रवैया था एकदम। आप भी कहाँ जॉब करते हैं? मैं आईटीबीपी में हूँ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, केरला में हूँ सर। केरला में? जी सर मैं छुट्टी आ रखा हूँ 30 दिन अर्जित अवकाश पर।
उसी क्रम में आपको जी मुझे पता नहीं चला कि इन लोग क्यों पकड़ा, किस लिए मारा, किस लिए नहीं मारा सर। मैं पूछते रहा सर विनम्रता से कि सर आपको कहाँ पकड़ा, गांव के समीप पकड़ा? मेरे घर पर ही पकड़ा, घर के मतलब अभी घर में गया नहीं, जस्ट दरवाजा जो है वहाँ पर पकड़ लिया इन लोगों ने बिना किसी भी वजह से। ओके।